सकते हैं गहलोत दोपहर 12:30 बजे बीजेपी में शामिल होंगे। कैलाश गहलोत कल आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया था, उसके बाद से जो है लगातार यही जानकारियां सामने आ रही थी। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने लोगों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को पीछे छोड़ दिया है और हम लोगों के अधिकारों के बजाय केवल अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए लड़ रहे हैं। आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी छोड़ी, उसके बाद आज बीजेपी का दामन थामेंगे। बीजेपी को कहा कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश गहलोत, बीजेपी ने जिस तरीके से बयान दिया था वो भी सुनिएगा। बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश गहलोत ने कई अन्य लोगों की तरह पार्टी छोड़ दी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने संयोजक अरविंद केजरीवाल के हितों की सेवा करने के लिए अपने मूल्यों से दूर चली गई है। और वहीं आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी कहा था कि आम आदमी पार्टी राजनीतिक रूपांतरण से गुजर कर खास बन गई है। कैलाश गहलोत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज बीजेपी में शामिल होंगे और बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को ये लगा है। और इसी के साथ साथ नजफगढ़ से विधायक है कैलाश गहलोत और आज बीजेपी में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि 12:30 बजे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे और ये आम आदमी पार्टी को इसी के साथ बड़ा झटका लगेगा चुनाव से पहले, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी पहले ही काफ़ी मुश्किलों से इस वक्त निकल रही है आम आदमी पार्टी, जिस तरीके से लगातार कई मामलों में फंसे हुए हैं तमाम चेहरे, और ऐसे में अब एक बड़ा झटका जब कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। तो कैलाश गहलोत ने 19 फरवरी 2015 को पहली बार दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री के रूप में शपथ ली थी, उसके बाद वे लगातार 3 बार मंत्री बनाए गए। इस्तीफा देने से पहले कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। और वही केजरीवाल को लिखे पत्र में गहलोत ने कहा कि इस समय आम आदमी पार्टी गंभीर चुनौतियों से गुजर रही है।